Hello student, how are you? I am Sumitra Amis. Today we learn science subject class 3 chapter 3 parts of a plant. Now I am start our chapter 3 parts of a plant yani ki podhe ka bhag. Plants play an important role in our lives as we depend on them for our बेसिक नीड. पौधे जो होते हैं वे हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे रोल करते हैं और मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं देम फॉर आवर बेसिक नीड और उसकी ज़रूरत हमें बहुत होती है, आवश्यकता होती है उसकी. दे प्रोवाइड आस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन और वे हमें भोजन, कपड़े, शरण और दवा देती हैं. दे ऑल्सो रिलाइज ऑक्सीजन गैस विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग और वे हमें ऑक्सीजन भी देती हैं जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और वह हमें बहुत ही ज़रूरत होती है, नीड होती है. हैंस वी कैन से दैट विदाउट प्लांट लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ और हम जैसे कि जानते हैं बिना पौधे के हमारा जीवन अधूरा है और हम जी नहीं सकते. लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, है ना. देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट ऑन आवर प्लेनेट. हम अपने पृथ्वी में देखते हैं हमारे पृथ्वी में बहुत तरह के प्लांट रहते हैं, बड़े बड़े प्लांट रहते हैं ना, दिस और वेराइटी रहते हैं. दिस प्लांट डिफरेंट इन दिस साइज, शेप, लाइफ स्पेन एंड अदर फीचर्स और ये प्लांट के बहुत ही तरह के शेप, आकार प्रकार होते हैं और इसमें लाइफ स्पेन्स भी होते हैं, फीचर्स भी होते हैं. लेट्स नाउ मोर अबाउट देम. आओ चलो और इसके बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के टाइप्स दिए गए. यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट इन अर्लियर क्लासेस. लेट्स क्विकली रिकॉल देम. हम लोग तो इससे पहले जो पढ़े थे हर एक तरह के पौधे के बारे में पढ़े थे. आइए चलिए इसके बारे में और कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री. जो लंबे और मजबूत प्लांट रहते हैं उसे हम ट्री कहते हैं. ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप टू ए ट्री. ब्रांचेस यानी कि डाली और इसके पत्ती के जो शेप होते हैं. ट्री डिफर इन हाइस एंड शेप और वो बहुत ही लंबे होते हैं, उसके शेप भी अलग ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट इज वेरी टॉल ट्री जैसे कि हम जानते हैं, वाइल मैंगो इज ए मीडियम हाइट ट्री जैसे कि हम जानते हैं. कोकोनट के जो ट्री होते हैं वो बहुत ही लंबे ट्री होते हैं, वेरी लॉन्ग ट्री, वेरी टॉल ट्री, है ना. और जो मैंगो के ट्री रहते हैं वो मीडियम साइज के रहते हैं. ए पीपल ट्री इज राउंड वेयरलेस. अशोका ट्री इज कंसील्ड इन शेप और एक पीपल के ट्री रहते हैं वो वेयरलेस रहते हैं, राउंड रहते हैं और एक अशोका जो ट्री रहते हैं वो भी कंसील शेप रहते हैं, ठीक है. कोकोनट ट्री यानी कि नारियल का पौधा, सॉरी पेड़, है ना. मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़. शॉर्ट एंड बूजी प्लांट आर कॉल सर्व. जो छोटे और मजबूत रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्व कहते हैं. रोज है ना यानी कि गुलाब, हिबिस्कस यानी कि अड़हुल. रोज को हिंदी में गुलाब कहते हैं, हिबिस्कस को क्या कहते हैं, अड़हुल कहते हैं, ओके. वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब. जो सबसे छोटे पौधे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं. क्लाइंबर आर प्लांट विथ वीक स्टीम. क्लाइंबर के जो पौधे रहते हैं, लतरने वाले जो पौधे रहते हैं वो उसके पत्ते क्या, उसके तने क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर रहते हैं. दे क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट स्टिक्स और वॉल और उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्टिक की जरूरत पड़ती है या फिर वॉल है उसमें लतर कर वो फरते हैं. इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से दिए, मनी प्लांट एंड ग्रेपिबिन. कोरिंडोर मीन्स धनिया.
मंथ में पुदीना, मनी प्लांट मीन्स मनी, मनी प्लांट मीन्स पौधा, ग्रेपी बीन मीन्स ग्रेपी वाइन यानी कि अंगूर के गुच्छे वाले जो पौधे रहते हैं उसे बोलते हैं ग्रेपी बीन। प्लांट डेट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल क्रीपर, जो प्लांट जो लतर कर फरते हैं जमीन पे लतर के फरते हैं उसे हम क्या करते हैं क्रीपर्स कहते हैं, यानी कि पम्पकिन है ना, पम्पकिन यानी कि कद्दू। ओके, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ ए प्लांट इज शो इन द पिक्चर, इसमें आइडेंटिफाई करना है और आप लोगों को बताना है इसमें कौन से किस किस टाइप का प्लांट है इसका नाम लिखना है। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी कि पौधे का भाग है ना, जस्ट लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स डेट कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए प्लांट, जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के फंक्शन रहते हैं, जैसे आइज नोज एयर टंग, ये लोग हर एक तरह के जैसे कि हमारे बॉडी में रहते हैं आइज नोज एयर टंग, ये लोग अपने अपने फंक्शन वर्क करते हैं मतलब काम करते हैं, उसी तरह पौधे में भी बहुत सारे फंक्शन रहते हैं जो वो खुद का काम खुद से करते हैं। ओके, ए प्लांट कैन बी डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, एक पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, जो एक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं, जो कहाँ पे होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं जमीन पे होते। द पार्ट विच ग्रो एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द सूट, और जो रूट से ऊपर जो रहते हैं उसे हम सूट बोलते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं उसके भाग कहाँ रहते हैं ऊपर रहते। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम ब्रांच लिप्स फ्लावर एंड फ्रूट, और उसमें कौन से भाग रहते हैं, स्टीम रहते हैं ब्रांचेस रहते हैं लिप्स रहते हैं फ्लावर रहते हैं एंड फ्रूट रहते हैं। तो आइए देखते हैं रूट को क्या बोलते हैं जर, लिप को क्या बोलते हैं पत्ती, स्टीम को क्या बोलते हैं तना, फ्रूट को क्या बोलते हैं फल, ब्रांच को क्या बोलते हैं डाली, फ्लावर को क्या बोलते हैं फूल, बट को क्या बोलते हैं कली। ओके, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ये क्या है, प्लांट्स का पौधे का पौधा या पौधे पौधे का भाग। ओके, देन आइए नीचे लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट, इसमें कौन से लेवल में कौन से वो है प्लांट के भाग है उसको आप लोगों को क्या करनी है लिखनी है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। सो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, थैंक यू। देन आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होंगे तो मुझे कंसल्ट कीजिएगा।